टीटो तू डफर नहीं है। आई एम रियली वेरी सॉरी, मैंने तुझे बेवकूफ कहा था। टीटो तूने तो मैं फुटबॉल खेलने सिखाया। टीटो तुझे याद है तूने हमें पास देना सिखाया था, मैच जीतने की स्ट्रेटजी बनानी सिखाई थी। हाँ टीटो तूने तो हमें मूव करना सिखाया था। हाँ टीटो तो भूल गया क्या, पहले फुटबॉल मैच भी हम लोग तेरे आइडिया की वजह से ही जीते थे। टीटो तू फुटबॉल का बहुत अच्छा प्लेयर है और एक अच्छा प्लेयर डफर नहीं हो सकता। देख टीटो अगर किसी आदमी के पास छोटी सी सोचने की शक्ति है तो फिर क्या वो डफर है? टीटो हर आदमी के पास अलग अलग टैलेंट होता है। हाँ टीटो किसी के पास पढ़ने का टैलेंट होता है या फिर किसी के पास खेलने का। ये सचिन तेंदुलकर वो तो 10th पास है, क्या वो डफर है? नहीं पार्थो उसे तो बहुत अच्छा और बहुत ही जीनियस प्लेयर कहा जाता है। तो इसी तरह तुझ में भी फुटबॉल का टैलेंट है, तू हमारे लिए जीनियस है टीटो, जीनियस। और टीटो जो आदमी टैलेंटेड होता है वो डफर नहीं होता। आंटी हम लोग टीटो को आधे घंटे के लिए बाहर ले जा सकते हैं? हाँ आंटी प्लीज, वैसे भी टीटो बहुत देर से लगातार पढ़ाई कर रहा है। हाँ आंटी उसके लिए थोड़ा ब्रेक भी हो जाएगा, सिर्फ आधे घंटे के लिए आंटी प्लीज। प्लीज आंटी। अच्छा ठीक है ले जा। यस! सुनो सिर्फ आधे घंटे के लिए, उससे ज्यादा एक मिनट भी नहीं। हाँ आंटी प्रॉमिस। हाँ आंटी हम टीटो को आधे घंटे के पहले लेकर आ जाएंगे। ठीक है जाओ। यस चलो। कितना अच्छा लग रहा है बाहर आके ना। फ्रेंड्स चलो हम लोग प्लेग्राउंड में चलते हैं और वहां जाकर मैं तुम लोगों को फुटबॉल प्रैक्टिस कराऊंगा। टीटो फुटबॉल मैच हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट तू है। हाँ टीटो वैसे भी तू कितने दिनों का घर से बाहर निकल रहा है। हाँ टीटो आज हम पूरा दिन तुम्हारे साथ मिलकर सिर्फ मस्ती करेंगे। और हाँ आज के दिन पढ़ाई और फुटबॉल में दोनों भूल जाओ। Yes, let's play something else. Yeah! Yeah! मत करो जल्दी तुम्हारे सब चेहरे खून और मिट्टी से भर जाएंगे। ए राजीव पता है ये लोग फुटबॉल की प्रैक्टिस कर रहे हैं। करने दे कितना करेंगे, आखिर जीतेंगे तो हम ही ना। अंधेरा लूजर। ए राजीव ज्यादा मत बोल वरना। वरना क्या करेगा वरना? हाँ बता। इनसे बहस मत कर, हम लोग इन्हें फुटबॉल मैच में देखेंगे। हाँ देख लेना लूजर।
हाँ यार, ये राजीव का बच्चा हमेशा हमारी इंसल्ट करता है और हम लोग हैं किसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाते। टीटो तू इनमें ध्यान मत दे यार, चलना। हाँ, और तू अपनी स्टडीज पे कॉन्सेंट्रेट कर। क्या यार, कैसे स्टडीज पे कॉन्सेंट्रेट करूँ, यहाँ पे कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है। ना तो मेरी पढ़ाई ठीक हो रही है और ना ही हमारे फुटबॉल मैच की प्रैक्टिस। हाँ टीटो इज राइट। तुम्हें पता है फ्रेंड, हम सब टीटू की पढ़ाई को लेकर कितना परेशान हैं। उसके पापा ने उसकी पढ़ाई के कारण उसके फुटबॉल खेलने पर पूरी तरह से रोक लगा रखी है। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि टीटू की प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करें। काश मैं टीटू के लिए एक सही ट्यूटर ढूंढ पाता। चलो सोते हैं, गुड नाइट। बेडरूम में क्या कर रहे हो? हमारा नाम अफलातून है बालक, और तुम ही ने तो हमें यहाँ बुलाया है। मैंने तो सिर्फ 4-5 लाइन ही ड्रॉ करी थी। सोचो बालक सोचो, जब तुम इस जादुई कलम से हमारी आकृति बना रहे थे तो उस समय तुम्हारे मस्तिष्क में क्या विचार चल रहे थे? उस वक्त मैं अपने दोस्त टीटो के लिए एक अच्छे ट्यूटर की बात सोच रहा था। बिल्कुल सही कहा, और हमें विश्वास है कि तुमने हमें यहाँ वही महत्वपूर्ण कार्य करने के लिए बुलाया है। मतलब आप एक ट्यूटर हैं? हम अध्यापक हैं और हम तुम्हारे मित्र टीटो की समस्या दूर करेंगे, लेकिन उससे पहले तुम्हें हमें ये बताना है कि उसकी समस्या है क्या। अफलातून, मेरा दोस्त टीटो पढ़ाई में बहुत कमजोर है, लेकिन वो फुटबॉल बहुत अच्छा खेलता है। तो ये समस्या है। चिंता मत करो बालक, हम तुम्हारे मित्र टीटो को अवश्य पढ़ाएंगे। वाव दैट्स ग्रेट, मैं आपको टीटो के घर ले चलता हूँ। नहीं, लेकिन उससे पहले हमें अध्यापन कार्य के लिए कुछ सामग्री की आवश्यकता है। ऐनक, पुस्तकें, कागज कलम वगैरह वगैरह। वो तो आपको अभी मिल जाएगा, एक सेकेंड। बढ़िया, ये लीजिए। लेकिन आप एक चीज ध्यान रखना। क्या? आप टीटो के घर जाएंगे तो उसे ये कहना कि आपको करण ने भेजा है, मैंने नहीं। करण ने? ये करण जी कौन है? हमारे स्कूल के हॉबी टीचर हैं। ये रहा टीटो का घर। और प्लीज अंकल, उससे जाकर ये मत कहना कि मैंने आपको भेजा है। चिंता मत करो बालक संजू, हमें सब याद है। हम अंदर जाकर यही कहेंगे कि हमें करण जी ने भेजा है अध्यापन कार्य के लिए। वेरी गुड अंकल, अब आप अंदर जाइए एंड ऑल द बेस्ट। धन्यवाद। चल संजू। हाँ कौन? ओए कौन है? ओ जी दरवाजा खुले, अंदर आ जाओ। नमस्कार श्रीमान। सत श्री अकाल जी, कहिए। श्रीमान, हमें करण जी ने भेजा है, हम एक अध्यापक हैं। करण जी ने बताया था कि यहाँ किसी एक बालक को एक अध्यापक की सख्त आवश्यकता है, सो हम आ गए। जी हाँ जी हाँ, आप बिल्कुल सही जगह पर आए। वो जो बालक की आप बात करें ना, वो मेरा पुत्र टीटो है। ओह, आपसे मिलकर अति प्रसन्नता हुई। वैसे लोग हमें
अफलातून कहते हैं। हमें? आपके साथ कोई और है? जी नहीं, हमें। मुझे तरसीम सिंह कहते हैं। आइए सर, आपको अपने बेटे टीटो से मिलाता हूँ। जी इस तरह आइए। आइए सर आइए। ओए टीटो पुत्र, ये तुम्हारे नए सर हैं, मिस्टर अफलातून। इनसे ठीक तरह से बिहेव करना। हाँ, और सुन, कुछ सीखने की कोशिश करना। सर मैं आपको अभी छोड़ता हूँ, आप इसे पढ़ाइए। ओके। हाँ तो बालक, टीटू यही है ना तुम्हारा नाम? टीटू। अच्छा बालक टीटू, सबसे पहले हमें ये बताइए कि तुम अपने आप को किन किन विषयों में पिछड़े हुए समझते हो? सर मेरी क्लास में 8 सब्जेक्ट्स हैं और मैं सब में पिछड़ा हूँ। स्थिति बहुत विकट है। अच्छा इस समय क्या पढ़ रहे हो बालक? वही जो आप बोल रहे, शुद्ध हिंदी। बहुत समझदारी का उत्तर दिया तुमने बालक। भाई तुम्हारा उत्तर सुनकर हमारा मन तो गदगद हो गया। क्या हो गया? गदगद हो गया, खुश हो गया। कुछ भी हो गया सर, देखिए आप मुझे पढ़ाने की कोशिश तो कर सकते हैं पर कुछ फायदा नहीं होगा। तुम ऐसा क्यों कहते हो बालक? क्योंकि सर मेरे दिमाग में कोई बात जाती नहीं है। बेहतर यही होगा कि आप इस समय यहाँ से चले जाएं और प्लीज मुझे अकेला छोड़ दीजिए। जो हुआ ठीक हुआ संजू, आई होप तुम्हारा मैजिक काम कर जाए और टीटू को सब कुछ समझ में आ जाए। आई होप सो करण भैया। संजू आई एम श्योर। देखना अफलातून टीटू को इस तरह पढ़ाएगा कि टीटू को सारी बातें समझ में आ जाएंगी। काश करण भैया मेरे पास ऐसे ही मैजिक होता जिससे हम लोग फुटबॉल मैच भी जीत पाते हैं। संजू तुम मैजिक को गलत तरह से ले रहे हो। मतलब? देखो संजू, मैजिक हमें सही रास्ता दिखाने में हेल्प करता है लेकिन अंत में अगर हमें अपनी मंजिल पानी है तो वो डिपेंड करता है हमारे सीरियस एफर्ट पर। आप शायद ठीक कह रहे हैं। देखो संजू, मैजिक हमारी हार या जीत तय नहीं करती है। हमारी हार या जीत इस बात पर डिपेंड करती है कि हम अपने एम को पाने के लिए कितनी मेहनत करते हैं, वो चाहे स्पोर्ट्स हो या एजुकेशन। यस करण भैया। चलो ठीक है, तो आप यहाँ से नहीं जाने वाले ना? ले लीजिए मेरी बुक्स और पढ़ाइए मुझे। पुस्तकों को रहने दो बालक। क्या इसका मतलब आप मुझे पढ़ाने वाले नहीं है? पढ़ाएंगे मगर बाद में, उससे पहले हम कुछ वार्तालाप कर लें। वार्तालाप? सर आप प्लीज हिंदी में बात करेंगे? ठीक है, हम कुछ बातचीत कर लें। ओके ठीक है। तो सबसे पहले बालक हमें ये बताइए कि तुम्हारी रुचि किस काम में है? स्पोर्ट्स में। मेरा मतलब है खेल में। खेल में? लेकिन ऐसा कोई एक विशेष खेल होगा जिसमें तुम्हारी रुचि अधिक होगी, वो कौन सा? हाँ है ना, मुझे फुटबॉल बहुत पसंद है। फुटबॉल। भाई हमारा मन अति प्रसन्न हो गया कि तुम्हें फुटबॉल में रुचि है। पता है क्यों? क्यों? क्योंकि फुटबॉल हमारा भी सबसे प्रिय खेल है। सच में सर? हाँ, और तुम्हें पता है हमारा आदर्श खिलाड़ी कौन है? कौन? डिएगो मैराडोना। वाओ। और तुम्हारा? डेविड बेकहम। डेविड बेकहम। तुम्हें पता है कि जब डेविड बेकहम छोटा था तो उसका आदर्श खिलाड़ी कौन था? कौन? पेले। पेले। और क्या तुम्हें मालूम है कि डेविड को व्हाई डू दे से बेंडेड लाइक बेकहम? क्योंकि जब बेकहम इज द मास्टर ऑफ फ्री किक्स। ये दोनों इतनी जोर जोर से क्या बातें कर रहे हैं? पढ़ाई कर रहे हैं या नहीं? ये जो बॉल है इसे यहाँ रखते हैं। ओके। एंड देन अंदर जाकर देखता हूँ। श्रीमान हमारी बात सुनिए। क्या बात सुनूं मैं आपकी? यहाँ पे मेरी कोशिश है कि मैं टीटू को फुटबॉल से दूर रखूं।
और आप उसे फुटबॉल खेलने में बढ़ावा दे रहे हैं। कैसे टीचर हैं आप? श्रीमान आप बात को अन्यथा ले रहे हैं। वो मैं बात को बिल्कुल ठीक ले रहा हूँ। मैंने आपको उसे यहाँ पे पढ़ाने के लिए रखा है, ना कि फुटबॉल की बातें करने के लिए। आप फौरन यहाँ से चले जाइए और दोबारा यहाँ पे कभी मत आना। जाइए। ठीक है श्रीमान, अगर यही आपकी इच्छा है तो क्षमा चाहता हूँ। आज मैं तेरी अकड़ ठिकाने लगाता हूँ और तेरी फुटबॉल किट ये घर के बाहर जाएगी। हमेशा का टंडा ही मुक जाएगा। पापा जी मेरी फुटबॉल किट। अरे पापा जी, मम्मी जी। भाई क्यों है पुत्र? मम्मी जी देखिए ना पापा जी को क्या हो गया है। आप उन्हें रोकिए ना। तू चल मेरे साथ। पता नहीं टीटू की पढ़ाई कैसे चल रही होगी। अफलातून से बात करता हूँ। अफलातून, तुम मेरी आवाज सुन सकते हो? अफलातून, अफलातून कुछ बोलो ना। अफलातून, हम यहाँ हैं संजू। थैंक गॉड अफलातून तुम आ गए। अफलातून, मुझे टीटू की एग्जाम की बहुत टेंशन हो रही है। तुम चिंता मत करो बालक, तुम आओ हमारे साथ। हम टीटू को कल की परीक्षा के लिए तैयार करते हैं। आज मैं इस किट को आग लगा दूंगा। ना रहेगा बास, ना बजेगी बांसुरी। बहुत हो गया तेरा। जी मम्मी जी, आप तो पापा को समझाइए ना। मेरी एक बात कान खोलकर सुन, आज के बाद तू कभी फुटबॉल नहीं खेलेगा और जिंदगी भर फुटबॉल को हाथ नहीं लगाएगा। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।